हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हमारा काइनेमैटिक्स का ट्रिक पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रिक नंबर 6 है ये, 6। ठीक है, 5 ट्रिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इनर्मस रिस्पॉन्स के बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड की वजह से ये वीडियो आ रही है। जिस वीडियो के लिए ज़्यादा डिमांड होगी वही वीडियो पहले आएगी, ऐसा जो है हमने सोच रखा है। इस तरीके से हम एक्शन करते जा रहे हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी तो उसकी वीडियो हम पहले लेकर आए, और ऐसे ही काइनेमैटिक्स वन शॉट के लिए डिमांड थी तो उसकी वीडियो आ गई। काइनेमैटिक्स 2D इन वन शॉट भी बहुत जल्दी आएगी। इसी तरीके से वही वीडियो सबसे पहले आएंगी जिनकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आई होप आप जो है समझ पाए होंगे और कमेंट्स में उसी तरीके का रिस्पॉन्स आप देंगे कि जो वीडियो आपको पहले चाहिए वो कमेंट आप पहले दोगे और सबसे ज़्यादा लाइक उस पर दोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस ट्रिक नंबर 6 में, पहली ट्रिक कौन सी थी हमारी? सेमीकंडक्टर वाली, ट्रांजिस्टर वाली, बेस इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। दूसरे नंबर पे ऑफिसर और सर्वेंट यानी कि डॉपलर। तीसरे नंबर पे जो हमने पढ़ा SHM का 10 सेकंड में क्वेश्चन करने वाला। चौथे नंबर पे हमने जो पढ़ा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स के क्वेश्चंस वगैरह देखे, और इसी तरीके से हम आज छठे नंबर की ट्रिक पर आए हैं। तो बेसिकली आज जो सीखेंगे वो काइनेमैटिक्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर एक 12th की होगी तो एक 11th की होगी। अब 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट की आ चुकी थी, तो आज 11th की आएगी जो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिक नंबर 6 मोशन एंड ग्रेविटी की कुछ ट्रिक सीखेंगे। ये ट्रिक बेसिकली गैलीलियोस गैलीज के रेशियो के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, अगर आपने मेरे वन शॉट भी देखे हैं तो भी आपको ये आती होगी, अगर आपने कोई क्वेश्चन की सीरीज देखी है तो भी आपको ये आती होगी, और अगर आप लेक्चर देख चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को शॉर्ट टाइम में जो है फिनिश करेंगे। ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत लगती है यार, रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी बनी रहे और मोटिवेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आपको लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। कम से कम 10 से 20 लोगों पे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कॉन्टेंट को एंजॉय कर रहे हो इस लेवल के कॉन्टेंट को, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें एटलीस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जहां पर भी आपके कॉन्टेक्ट हैं वहां पर। तो ठीक है, अगर हम यहां पर स्टार्ट करें मोशन अंडर ग्रेविटी के, तो ध्यान रखना मोशन अंडर ग्रेविटी में फंडा क्या है कि हम मान लो किसी बॉल को हमने ऊपर फेंका। तो देखो, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ धरती के सेंटर की तरफ क्या लगा हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जी है, अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो ये नीचे लगा है, बॉल नीचे आ रही है तो भी नीचे लगा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बॉल ऊपर फेंकी यानी कि वेलोसिटी ऊपर है और जी नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मोशन है वो रिटार्डेड है, मतलब बॉल जो है उसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है वो हिंदी में समझ लो। एक्सेलरेशन का मतलब है इंजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब आपने क्या किया कि अगर कोई बॉल है, कोई बॉडी है, उसको आपने वेलोसिटी दी है। मान लो ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, ऐसे है ना, तो अब ये ऊपर से नीचे जो आ रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि जी भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इंजेक्ट होता जाएगा इसमें और आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर शुरू में 0 थी तो 1 सेकंड बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। 10 से ही क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन कितने का है आप जानते हो ना, जो जी होता है उसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, पर हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंजेक्ट होती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाती है। शुरू में 0 थी, 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 40 हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन 10 का है। ठीक है, और ऊपर जब आपने फेंकी तो नीचे की तरफ रिटार्डेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम होती जाएगी, बढ़ने की जगह बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मुद्दा। अब ये जो बेसिकली आपने देखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर 1 सेकंड में ऊपर जाते जाते 10 कम हो रही है, जबकि हर 1 सेकंड में नीचे से ऊपर आते 10 बढ़ती जा रही है स्पीड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन बॉडी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है, जबकि अब जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हो एक्सेलरेशन नीचे लगा है, तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगी और बॉल की स्पीड को कम करती जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेसिकली थोड़े से कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और रफ करने के बाद मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा। ठीक है, देखो शॉर्ट वीडियो है शॉर्ट ट्रिक की, तो इसीलिए पहले मैं शॉर्ट ट्रिक को समझा दूं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीखने हैं तो आप क्या करें, आप हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर काइनेमैटिक्स के लेक्चर्स को देख लें। तो यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर हम जो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम देखो हमने क्या किया, मान लो किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, जब हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो ये नीचे भी आएगी, और हमसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंका तो हमसे पूछा जाता है जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना पेन चलाए भी करोगे आज के बाद, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए करोगे,
टाइम ऑफ असेंडिंग क्या है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या है, उसके अलावा कितनी कितने डिस्टेंस कवर की, टावर की हाइट क्या है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे सारे क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे 5 सेकंड के अंदर, ये मेरी गारंटी है आज के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आप देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता होगा कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसकी एक फिक्स एक प्रॉपर्टी है कि जिस लेवल पर आप देखना चाहते हो वहां पर आपका डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिकली मुद्दा क्या है, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब आपने बॉल को ऊपर फेंका फिर वो नीचे भी आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, मान लो आपने 40 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर फेंका, मैं इसको यू मान लेता हूं या 40 मीटर पर सेकेंड कुछ भी मान सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे लगा हुआ है जी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेशन लगा हुआ है हर एक सेकंड में, ये कम होती जाएगी 10 से, मतलब एक सेकंड बाद यही चीज़ 30 हो जाएगी, तो एक सेकंड बाद यही चीज़ 20 हो जाएगी, तो एक सेकंड बाद यही चीज़ 10 हो जाएगी, मतलब स्पीड घटती जाएगी, फिर लास्ट में सेकंड में क्या होगा, 10 से 0 हो जाएगी, ठीक है। जिस समय पर 0 होगी उस समय पर ये वापस आएगी, ठीक है, अपना रास्ता चेंज करके। तो अब क्या होगा, अब जी भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे एक सेकंड बाद 10 हो जाएगी, तो दूसरे सेकंड बाद 20 हो जाएगी, तो तीसरे सेकंड बाद 30 हो जाएगी, और लास्ट में फाइनल टच करते वक्त 40 हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बहुत इजी चीज़ थी, लेकिन क्वेश्चन में एप्लीकेशन इसका क्या है वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन यहाँ पर ये है, अब ये तो हो गया हमारा केवल स्पीड का, अब यहाँ पर डिस्टेंस का सीखते हैं। देखो मैंने आपको वन शॉट के अंदर, अगर आपने वन शॉट देखा है या मेरे कभी लेक्चर देखे या आप मिशन 2020 में एनरोल कर चुके हो तो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा या फिर आपने पिछले कभी लेक्चर्स पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स में 6 तरीके की इक्वेशंस, ठीक है, 3 तो हम सब जानते हैं, 4थी भी मोस्ट प्रोबेबली लोग जानते हैं, मैंने एक और 5वें नंबर की बताई थी, और वो क्या थी, वो थी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। तो ये मेरी फेवरेट इक्वेशन है, देखो इसका काम क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब शुरू हुई है आपकी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अगर इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो कितना होगा, अगर इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मुझे दो दो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही से काम चला सकता हूँ। आप देखो मैं यहाँ पर काम देखो कैसे निकालेंगे, शुरू में स्पीड 0 है, बाद में 10 हो गई अपॉन 2, और एक सेकेंड में कवर हो रहा है, मतलब आंसर आ गया 5 मीटर, यानी कि पहले सेकेंड में 5 मीटर कवर करी। अब आप एक चीज़ जानते होंगे जीजी रेशियो, ठीक है, गैलीलियोस गैलीज रेशियो, बेचारे गैलीलियोस को किसी ने माना नहीं, मार पीट के भरा दिया है, लेकिन वैसे ही गैलीलियोस ने बड़ी काम की बात कही, इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, देखो आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हो ऊपर से, है ना, और एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, नीचे की तरफ जी है, तो उस केस में आपकी जो डिस्टेंस कवर्ड होती है हर एक सेकंड में वो 1:3:5:7:9:11 इस तरीके से आपकी डिस्टेंस आती है। मतलब अगर मैं कहूँ पहले मैं 5 मीटर कवर करी तो अगले वही उसी सेकंड में ये 3 गुना कवर करेगी, फिर उसी में 25, फिर अगले एक सेकंड में 35, फिर अगले में 9 गुना, मतलब 45, देखो 10-10 से बढ़ती जा रही है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगले एक सेकंड में 15 मीटर कवर करा होगा, फिर अगले सेकंड में 5 गुना, मतलब 25 मीटर, इसका 5 गुना है ना, फिर अगले सेकंड में इसी का 7 गुना, और ऐसे ही 10 बढ़ाते जाओ, 45, फिर 55, फिर 65। अब इनका फायदा क्या हुआ वो बताओ सर, देखो क्वेश्चंस करते हैं आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा फायदा समझ में आना चाहिए आई होप। मान लो एक पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इतना सा हो गया। फिर उसके बाद आपको यहां पर क्या बताना है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल को आपने वर्टिकली यहां से प्रोजेक्ट किया 40 मीटर की हाइट से, तो आपको बताना क्या है कि जो पार्टिकल है उसको कितना समय लगेगा ग्राउंड पर आने में, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच दी
ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आपने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर फेंका। पार्टिकल को ऊपर फेंकने के बाद क्या हुआ, आपने पार्टिकल को जब ऊपर फेंका तो आपने उसको स्पीड दी कितनी, आपने उसको स्पीड दी 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, लेकिन आपने इसको फेंका कैसे वो समझो। इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे कोई टावर मान लो, लेट सपोज दिस इज अ टावर और ये आपकी टावर की हाइट हो गई। ठीक है, अब ये जो टावर है ना ये आपका ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है। तो अब यहाँ से क्या कर रहे हो आप, एक बॉल को आपने फेंका, ठीक है, विद द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर और आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका। सपोज यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने फेंका। जब आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो ये बताओ कि इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आने में, यहाँ तक आने में, ये पूछ रहा है। मतलब ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा, तो ये टोटल टाइम पूछ रहा है, ये प्लस ये। अब देखो अपनी ट्रिक कैसे काम आती है। अब इसे इक्वेशन से करने बैठे तो यकीन मानिए 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। करके देख लीजिए नहीं तो, और आपको होगा भी नहीं कई बच्चों से तो ये। ठीक है, चलो देखते हैं अपनी ट्रिक क्या कमाल करती है। अब ट्रिक का कमाल देखते हैं। यकीन मानिए अगर आपको ट्रिक आती है तो 10 सेकंड में आप कर सकते हो। देखो कैसे, मैं ऐसा करता हूँ इसको ना ऊपर ही बना देता हूँ, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं इस टावर को यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा टावर हो गया, इसकी हाइट है 40 मीटर, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है इसका मतलब वो कितनी देर तक ऊपर जाएगी, 1 सेकंड तक। क्यों, क्योंकि नीचे रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। रिटार्डेशन क्या करेगा, हर एक सेकंड में 10 से स्पीड को कम कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने ऊपर फेंकी तो ये केवल 1 सेकंड तक ही ऊपर चलेगी और फिर रुक जाएगी। फिर रुकने के बाद क्या होगा, वो नीचे आएगी। ठीक है, नीचे जब आएगी तो मैं मान लेता हूँ ऐसे नीचे आ गई है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक लेवल खींच देता हूँ, तो ये वाली हाइट तो हम देख ही सकते हैं 40 मीटर है, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कितनी देर चलेगी। जब आपने ऊपर फेंकी तो 1 सेकंड लगेगा, तो इस मोशन का जो हमारी मोशन एंड ग्रेविटी, इसकी खास बात क्या है कि अगर आपने 1 सेकंड ऊपर फेंकने में लगाई तो या इस लेवल तक आने में भी उसको 1 सेकंड ही लगेगा, यानी कि यहाँ तक आपको टाइम 1 सेकंड लगा। लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ तक तो वो आ गई, तो लेकिन उसके बाद कितना टाइम लगा वो निकालो। देखो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। देखो आप जानते हो शुरू में स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 20, और ये कितने सेकंड चलेगी ये कैसे पता चलेगा इससे 40 मीटर से। देखो कैसे, पहले सेकंड में 5 मीटर चली होगी तो अगले सेकंड में 15 मीटर चलेगी। ठीक है, अच्छा हमें 40 मीटर चलाना है तो 40 में से 15 गए तो 25, यानी कि अगले सेकंड में ये 25 चल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली लेवल से नीचे तक आने में उसको केवल 2 सेकंड लगे, यानी कि शुरू में अगर 10 स्पीड थी बाद में 20 हो गई तो ये फिर कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो जमीन पर टकराई होगी। समझ में आया, देखो 0 से 10 हो गई 1 सेकंड में, 10 से 20 हो गई दूसरे सेकंड में, 20 से 30 हो गई अगले सेकंड में, और 2 ही सेकंड वो चली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 और 25 कितने हो जाते हैं 40, इतनी हाइट पर टावर है। तो यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने देखो एक कर लिया 30 मीटर पर सेकंड से वो स्ट्राइक करेगी, एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया हमारा अगर ये पूछा होता तो, है ना। दूसरा हमने क्या सॉल्व किया, कितना टाइम लगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड उसको लगे जमीन तक आने में टोटल टाइम। मुझे बताओ कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत पड़ी नहीं, आप पेपर में ही कर सकते थे, ऐसे आपने टावर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप अपने दिमाग में कर लेते 5 या 10 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं ट्रिक के। अच्छा आपसे पूछा जाए, चलो टावर की हाइट तो दी थी, आपसे पूछा जाए बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना किया बताओ मुझे, क्या आपको कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत है, नहीं है। देखो 40 मीटर प्लस 5 45 मीटर प्लस 5 कितना होता है 50 मीटर, तो इस बॉल ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की। अच्छा आपसे कोई पूछे स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो भाई डिस्टेंस पता है तो वी एवरेज क्या आएगी, वी एवरेज आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना है 4, आंसर आ गया लो एवरेज स्पीड का। आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक का तो कुछ लेंगे नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 अपॉन 4,
हो गया। देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने चुटकियों में कर लिए। ये होते हैं ट्रिक की पावर। अगर आपको ऐसी सारी ट्रिक सीखी है ना, यकीन मानिए आपको लेक्चर देख लेना चाहिए अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आप नेक्स्ट ईयर की कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ मिशन 2020 या 2021 में एनरोल कर लेना चाहिए, चाहे वो पेन ड्राइव कोर्स हो चाहे वो मोबाइल का कोई भी कोर्स हो। क्योंकि ऐसी, ये तो ट्रेलर था, ऐसी हजारों ट्रिक, ढेरों अनथीन ट्रिक्स लेक्चर्स के अंदर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, क्या वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा अभी तक? अगर आपने शेयर नहीं करा ना, एक गंदी बात है यार। देखो मतलब इतनी मेहनत और इतना इस लेवल का जो कंटेंट आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ कोचिंग्स में भी, आपको प्रीमियम कोचिंग में भी नहीं मिलता है। यकीन मानिए 1000 बच्चे अगर इनरोल करते हैं हमारे ऐप पे तो उसमें से 700 बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग्स में पढ़ रहे होते हैं, चाहे एलएन, चाहे आकाश, चाहे सो कॉल्ड और भी कोई कोचिंग है, सर्वोत्तम, रेजोनेंस। आप देखिए कमेंट में आप पूछ सकते हो बच्चों से कि अगर कोई पढ़ रहा है, या ऐप के ऊपर जो आप देख सकते हो डिस्कशन में कोई पढ़ रहा है तो उनसे पूछिए, वो या तो किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या फिर किसी सो कॉल्ड हाईफाई कहीं जगह पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो यकीन मानिए कि आप जो है उन बच्चों से काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो जो सो कॉल्ड कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम यहां पर अगला क्वेश्चन करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर रिक्वेस्ट, लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो, ठीक है? अब यहां पर जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। ए पार्टिकल थ्रोस वर्टिकली अपवर्ड, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करने के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं। विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें और उसमें इतना डिफरेंस है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, उसको 10 से फेंका था, ठीक है? ए पार्टिकल प्रोजेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। आपको कोई भी इक्वेशन लगाने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है, चुटकियों में 5 से 10 सेकेंड में आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, और यहाँ देखो, ए पार्टिकल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ठीक है? इन 6 सेकेंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखो 6 सेकेंड में ये क्या करता है, ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है ना, और स्ट्राइक की जगह रीच कर लो, रीच द ग्राउंड। तो आधा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब आपको सिर्फ वही सब चीज निकालनी है, मतलब कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम लगा, टाइम तो दिया है क्या, कितनी टावर की हाइट है, ठीक है? उसके अलावा आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फटाफट बता दो कमेंट में, मैं आपका वेट कर रहा हूं। एक सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ट्रिक सीखने के बाद, लग रहा है तो प्रैक्टिस करो फिर। चलो मैं इस क्वेश्चन की पहले बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये कोई टावर है, ठीक, मान लो ये कोई टावर है और आपने क्या किया है 20 मीटर पर सेकंड से टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहां से किसी बॉल को फेंका है, ठीक है? और ये इनिशियल स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड आपने ली है, ये 6 सेकंड में ग्राउंड पर आ जाता है। मैं क्या करता हूं, यहां से इसको रफ कर देता हूं, ये गया, मान लो यहां पर जीरो हो गया। जीरो कितनी देर में होगा, 2 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 20 से फेंका है और नीचे रिटार्डेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हर एक सेकंड में स्पीड 10 से कम हो रही है, यानी कि यहां से गया यहां तक आने में उसकी यहां पर 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, तो 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी। फिर वापस आया और वो ग्राउंड पर पहुंच गया। आपसे क्या क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है? पहले आपको हाइट ऑफ द टावर दी गई थी, टाइम पूछा था, अब की बार टाइम दिया गया, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। यहां से लेकर और पूरे यहां तक आने में 6 सेकंड टाइम लगता है, तो इसका मतलब मुझे बता दो 6 सेकंड टाइम लगता है तो। अच्छा मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, 20 की स्पीड थी, मतलब 2 सेकंड लगे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1 सेकंड में 10 से कम होती है, तो अगले में 10 से कम हो गई, तो 1 सेकंड यहां तक लगा, फिर 1 सेकंड इसमें लगा, तो इसका मतलब यहां तक भी 2 सेकंड खर्च हो गए होंगे। इसका मतलब यह है जब बॉल यहां पर आएगी तो उसके पास केवल 1, 2, 3, 4, 6 में से 4 सेकंड खर्च हो गए, केवल 2 बचे। इसका मतलब जब बॉल यहां पर आई होगी तो उसके बाद यहां तक आने के लिए उसके पास केवल 2 सेकंड है, तो यहां से जब यहां पर आई तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 0 हो गई, यहां पर 10 हो गई और यहां पर 20 हो गई, ठीक है? फिर अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 30, और अगले सेकंड में हो गई 40। मतलब हमें एक आंसर मिल चुका है कि भाई 40 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगी चुटकियों में, 5 सेकंड के अंदर 40 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगी, एक आंसर। दूसरा बताओ, यानी कि हमें एक आंसर्स को मैं यहां लिख देता हूं। पहला आंसर है कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, 40। अच्छा दूसरा बताओ, हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये कैसे निकालोगे? देखो 0 से 10 सेकंड आई होगी तो 5 मीटर चली होगी, 10 से 20 तक 15 मीटर है ना, 1:3:5, 15 से फिर ये 25, फिर ये 35,
और हाइट ऑफ द टावर कितनी है 25 प्लस 35 तो कितने हो गए ये 30 प्लस 20 50 55 60 हाइट ऑफ द टावर हो गई 60 मीटर। मुझे बताओ क्या कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या 5 सेकंड में हो सकता है? यस। क्या 2 सेकंड में हो सकता है? यस। क्या 10 सेकंड में विद ओएमआर हो सकता है? बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर अगली पे आते हैं। अगला क्या है हमारा? टोटल सेकंड हमारे 6 लगे। आपसे क्या पूछा जा सकता है? और हाइट ऑफ द टावर आपने पूछ लिया और आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस कवर बाई पार्टिकल। तो कितनी कवर कर रहा है? 35 प्लस 25 हो गए 60, 60 प्लस 15 हो गए 75, 80 और यहाँ पर भी आपका 15 और यहाँ पर 5, यानी कि 15 और 5 20, 25, 30, 40, 40, 60, 65, 70 और 100, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस, इनिशियल ये, फाइनल ये, ठीक है। तो देखो ये ऊपर जा रहा है फिर वो नीचे आ रहा है, तो मतलब ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपसे पूछा रहा है एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है हमारा पूरा 6 सेकंड, तो ये हो गया 50/3। अच्छा आपसे पूछा रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ पूरे पाथ की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 30 और 20 50 60 अपॉन टाइम 6, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना कितनी आसानी से हमने कर दिया। इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख पाए होंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं ट्रिक्स की या शॉर्ट मेथड्स की मदद से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ की उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली जो चीज़ हमने पढ़ी गैलीलियोस गैलीज का रेशियो यूज़ करना, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी एस्पिरेशन और रिटार्डेशन का खेल, है ना, इंजेक्शन और कम होने का, बढ़ने का, गेन होने का, लॉस होने का, स्पीड का, ऊपर जाएगी लॉस होगी स्पीड कितने से, हर एक सेकंड में 10 से, नीचे आएगी हर एक सेकंड में 10 से बढ़ेगी। फिर हमने जो खेल सीखा वो हमने पांचवें नंबर की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको सीखा, फिर हमने जो यहाँ पर सीखा अपना नॉर्मल जो ट्रिक वगैरह थी उसको यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में निपटाया। तो अब यार इतनी मेहनत के बाद आपने अगर लाइक नहीं किया है तो अच्छी बात नहीं है ये, आपने शेयर नहीं किया है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स, बैचमेट्स, कोचिंग मेट्स, तो भी गंदी बात है। क्यों? क्योंकि यार आप मतलब जब यार मेहनत का जब कोई वो नहीं मिलेगा रिजल्ट, तो फिर और आपके लिए ऐसी अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए दिक्कत होगी। तो फ्रीक्वेंटली अगर अमेजिंग कंटेंट आपको चाहिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोज आपको जल्दी जल्दी चाहिए, तो प्लीज़ आपको शेयर करना का, ये आपके हाथों में है। बाकी कॉमेंट्स जिसके ज़्यादा होंगे, जिस पर लाइक्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिस कॉमेंट पर लाइक्स ज़्यादा होंगे, कॉमेंट जिस चीज़ के ज़्यादा होंगे, उसी की अगली वीडियो आएगी और उतनी ही जल्दी आएगी जितना ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, ठीक है। ट्रिक की भी वाली वीडियो की डिमांड ज़्यादा थी तो कल भी आई, आज भी आ गई, अभी आपके ऊपर है कि अगली वीडियो कौन सी चाहते हो। देखो वन शॉट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस के जो क्वेश्चन हुए उनका सॉल्यूशंस, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं पैरेलली, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री वन शॉट, तो ये चारों पाँचों चीज़ें हैं। और उसके अलावा IIT एडवांस के लिए भी कुछ नया आने वाला है आप लोगों के लिए, एडवांस जो है 27 मई को होगा, तो उससे पहले कुछ कुछ बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं एडवांस के लिए, पूरी प्रिपरेशन सीरीज जो फ्री होगी यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी मेहनत का काम है बट लेकिन हम करने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हो मुझे बताइए कमेंट्स में, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले वही हेलो बच्चों ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, उसके ऊपर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज से लेकर आपके लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें फ्री हैं। और उसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज हैं जैसे पेन ड्राइव कोर्सेज, मोबाइल कोर्सेज और उस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। चले, और अगर आपको कुछ नहीं आता पेपर देना एक महीने बाद, तो डू और डाई आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा तभी पेपर में बैठे हुए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।